morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer, CDTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. आज का मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन 3, कोड CD 303, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल, यूनिट नंबर 4, वाटर प्लानिंग पार्ट 1. और आज इसका सब टॉपिक है 4.1, हाउ टू सिलेक्ट एंड वेयर क्लोथ्स. इसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ वाटर प्लानिंग, नीड ऑफ प्लान्ड क्लोथिंग्स एंड पॉइंट्स टू बी फॉलोड इन प्लानिंग अ वाटर ऑफ, एंड देन द थर्ड इज स्टेप्स इन वाटर ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम वाटर ऑफ प्लानिंग के की कंटेंट्स के बारे में जानेंगे. इसमें हमने 8 बिंदुओं को सम्मिलित किया है. पहला है मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ. अलमारी तथा पहनने योग्य परिधान का अभिप्राय क्या है. सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ वार्डरोब, अलमारी अथवा पहनने योग्य परिधान की परिभाषा. थर्ड है मीनिंग ऑफ प्लानिंग, नियोजन अथवा समरेखन का अभिप्राय. फोर्थ है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन अथवा समरेखन की परिभाषा. फिफ्थ है डेफिनेशन ऑफ वार्डरोब प्लानिंग, अलमारी अथवा पहनने योग्य परिधान, नियोजन अथवा समरेखन की परिभाषा. सिक्स पॉइंट है नीड ऑफ प्लान्ड क्लोथिंग्स, योजनाबद्ध परिधान की आवश्यकता. सेवन पॉइंट है पॉइंट्स टू बी फॉलोड इन प्लानिंग अ वार्डरोब, अलमारी अथवा पहनने योग्य परिधान के नियोजन में बिंदुओं का अनुसरण करना. आठवां है स्टेप्स इन वाटर प्लानिंग, अलमारी अथवा पहनने योग्य परिधान के नियोजन के चरण के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. अब हम मीनिंग ऑफ वार्डरोब अर्थात वार्डरोब का अभिप्राय क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. वार्डरोब वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वार्ड फ्रॉम वार्डरोब मींस द प्रोटेक्टर और टू प्रोटेक्ट, एंड रोब मीन्स अ पीस ऑफ क्लोदिंग. वार्डरोब ओरिजिनली मेंट एन एंटायर रूम वेयर अ पर्सन्स क्लोदिंग वॉज स्टोर्ड. तो वार्डरोब जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है, वॉट जो कि वार्डरोब वर्ड से लिया गया है, यानी कि शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रोटेक्टर यानी कि बचाने वाला या बचाव करने वाला, और रोप का अर्थ है अ पीस ऑफ क्लोथिंग्स यानी कि परिधान से अभिप्राय है. वार्डरोब मुख्यतः एक एंटायर रूम होता है, यानी एक कमरा होता है जहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के कपड़ों को स्टोर किया जाता है. ऑल ऑफ द क्लोथ्स इन योर क्लोजेट्स मेक अप योर वार्डरोब, यानी कि क्लोजेट में सभी प्रकार के जो कपड़े रखे जाते हैं वो आपके वार्डरोब का निर्माण करते हैं. द वार्डरोब मोस्टली सर्व्स एज स्टोरेज फॉर क्लोथ्स, दीज क्लोथ्स मे बी डर्टी और क्लीन. इट ऑल्सो सर्व्स एज अ स्टोरेज एरिया फॉर वेरियस अदर आर्टिकल्स सच एज ज्वेलरीज, शूज एक्सेट्रा. वार्डरोब का मुख्यतः जो प्रयोग है वो स्टोरेज करने के लिए किया जाता है, और इसमें जो स्टोरेज किया जाता है वह किसी भी व्यक्ति विशेष के परिधान होते हैं. ये कपड़े गंदे भी हो सकते हैं और साफ भी हो सकते हैं. ये कई विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स या आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ज्वेलरीज, शूज इत्यादि. अब हम वार्डरोब की परिभाषा को समझेंगे. वार्डरोब की परिभाषा है अ स्टॉक ऑफ क्लोदिंग और कॉस्ट्यूम्स बिलोंगिंग टू अ पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के परिधान एवं कॉस्ट्यूम्स का एक संग्रह जो किसी व्यक्ति विशेष को बिलोंग करता है
वह वॉर्डरोब कहलाता है। अब हम मीनिंग ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नियोजन का अभिप्राय क्या है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। नियोजन किसी क्रिया के बारे में विचार करने की एक प्रक्रिया है जो कि अभिलक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में आवश्यक होती है। इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। अभिलक्षित परिणाम हेतु यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण की जाने वाली क्रिया है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लान सच एज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दैट रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल्स। ये एक ऐसी योजना के सृजन एवं अनुरक्षण को सम्मिलित करता है जैसे कि मनोवैज्ञानिक अवस्था जिसमें प्रत्यात्मक एवं वैचारिक कौशल की आवश्यकता होती है। अब हम डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे, अर्थात नियोजन की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू बेरी, प्लानिंग इज अबाउट मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अर्थात नियोजन संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के प्रबंधन का व्यवस्थित रूप में करना प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग चार प्रकार की होती है। पहला है ऑपरेशनल प्लानिंग, जिसे हम परिचालन नियोजन भी कहते हैं। इनमें योजनाएं किस प्रकार से होंगी इस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अर्थात युक्तिपूर्ण नियोजन। इनमें योजनाएं क्यों इस प्रकार से होंगी इस पर पढ़ा जाता है। फिर है टैक्टिकल प्लानिंग, जो कि तीसरी प्रकार की प्लानिंग है, अर्थात कार्यनीतिक नियोजन। इसमें जो भी योजनाएं होती हैं उनको ये देखा जाता है कि इसमें योजनाओं का क्या होगा या क्या उसका परिणाम होगा। फिर है फोर्थ पॉइंट इज कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग को हम आकस्मिक नियोजन भी कहते हैं और ये योजनाएं तब बनाई जाती हैं जब कोई अनपेक्षित घटित होता है, कोई घटना घटती है या फिर कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब हम डेफिनेशन ऑफ वार्डरोब प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझने की का प्रयास किया है, अब हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ स्टॉक ऑफ क्लोदिंग और कॉस्ट्यूम्स बिलोंगिंग टू अ पर्सन प्रायोरिटीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ये हमारी सबसे पहली परिभाषा है। इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के परिधान एवं कॉस्ट्यूम के संग्रह का नियोजन एवं प्रबंधन प्राथमिकता को व्यवस्थित रूप में करना वार्डरोब प्लानिंग कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है केयरफुल एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अ स्टॉक ऑफ क्लोदिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक अ प्लांट बजट इज नोन एज वार्डरोब प्लानिंग। किसी भी नियोजित बजट के समान
व्यक्ति विशेष के परिधानों के संग्रह का सावधानी पूर्वक विश्लेषण, प्रबंधन तथा समन्वित करना वार्डरोब प्लानिंग कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे नीड ऑफ प्लांट क्लोथिंग्स, यानी कि सुनियोजित परिधानों की आवश्यकता। प्लांट वार्डरोब इज लाइक अ प्लांट बजट, यानी कि सुनियोजित बजट के समान होता है। प्लांट क्लोथिंग इज टू, यानी कि सुनियोजित परिधानों की क्यों आवश्यकताएं होती हैं और कैसी आवश्यकताएं होती हैं, इन चार बिंदुओं में समझाने की कोशिश की गई है, यानी कि प्रयास किया गया है। पहला है फुलफिल योर पर्टिकुलर नीड्स, यानी आपकी कुछ निश्चित प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं प्लांट क्लोथिंग्स, यानी कि सुनियोजित परिधान। दूसरा है प्रोवाइड्स अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, परिधान आपको शारीरिक एवं मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। थर्ड है एक्सप्रेस योर एक्टिविटीज, lifestyles and values in order to express your individuality, आपकी क्रियाओं को, जीवन शैली तथा जीवन से जुड़े मूल्यों को अभिव्यक्त करने की का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति की विशिष्टताओं को भी अभिव्यक्त किया जाता है। फोर्थ है इंडिविजुअल विल नेवर बी गिल्टी ऑफ द ओल्ड ब्रोमाइड, आई हैवंट अ थिंग टू वेयर, हर व्यक्ति इस बात से ग्रसित होता है या इस बात से अपने आप को दोषी मानता है, जो कि एक अनुभव स्पष्ट टिप्पणी से यहां पर मैं समझाने की का प्रयास करूंगी कि आई हैवंट अ थिंग टू वेयर, यानी कि मेरे पास कुछ पहनने को कुछ भी नहीं है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हम कहीं पे भी जाने के लिए अपनी वार्डरोब को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हुए भी ये कथन जो है, जो कि एक प्रकार की स्पष्ट टिप्पणी है और जो कि बहुत ही अनुभवी टिप्पणी है, जो हम सब अक्सर इस बात को कहते आए हैं कि मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। ये जो टिप्पणी है ये हमें दोषी होने का प्रयास करती है कि हम उस गिल्ट में रहते हैं और हमेशा ये हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारा जब वार्डरोब प्लांट नहीं होता है तब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। और ये एक बहुत ही सशक्त व्याख्यान है या कथन है जिसे स्वीकार किया गया है और ये एक बहुत ही प्रामाणिक कथन है जो कि अनप्लांड क्लोथिंग से ही हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू बी फॉलोड इन प्लानिंग अ वार्डरोब, यानी कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें हम वार्डरोब के सुनियोजन के बारे में पढ़ेंगे या कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखेंगे जब भी हम हमारी वार्डरोब का सुनियोजन करेंगे, यानी उनका नियोजन करेंगे। Clothing planning in a wardrobe should be according to plant style, color, texture, etc. Wardrobe should be functional. यानी कि क्लोदिंग की यानी परिधानों का जो भी नियोजन किया जाता है वार्डरोब में वो नियोजित शैली, रंग
एवं पुत आदि के अनुसार होना चाहिए। वार्डरोब हमेशा कार्यशील रहना चाहिए, यानी कि वह हमेशा चलता रहना चाहिए, यानी वार्डरोब कभी भी डेड नहीं होना चाहिए। और उसमें लगातार हम जितने भी परिधानों का संग्रह करते हैं वो हमेशा प्रयोग में आते रहने चाहिए। इसमें हमने कुछ चार बिंदुओं को लिया है जिन पर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पहला है एनालाइजिंग योर नीड्स। इसमें हम हमारी आवश्यकताओं का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम वार्डरोब का निरीक्षण करेंगे, जो कि बहुत ही विधिपूर्वक होगा, विस्तार में, जिससे हम अपने वार्डरोब को आसानी से विस्तार पूर्वक समझा सकें, उसे इंटरप्रेटेट करें और हमारी आवश्यकताओं को भी हम का विश्लेषण करें और जो भी हमारा इससे संबंधित परिणाम आएंगे वो बहुत ही स्पष्ट होने चाहिए। सेकंड बिंदु है इवैल्यूएटिंग द प्रेजेंट क्लोथिंग्स, यानी कि जो वर्तमान में हमारी परिधान है उनका उनकी तुलना करना। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स अ प्रोग्राम, यानी किसी भी कार्यक्रम या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें तुलनात्मक जो भी अध्ययन किया जाता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत ही क्रिटिकल होती है, अर्थात बहुत ही कठिन होती है या नाजुक होती है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लोथ्स एक्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स, यानी कि इसमें इस बिंदु में हम देख सकते हैं कि परिधानों की जो भी क्रियाएं हैं, विशेषताएं और जो परिणाम है उससे संबंधित सभी जानकारियां, यानी विश्लेषण वाली जानकारियों को हम एकत्रित करते हैं। तीसरा बिंदु है एग्जामिनिंग अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी कि जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनको हम उनका निरीक्षण करना। अ स्टॉक ऑफ क्लोथ्स इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली, जब हम हमारे उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण करते हैं तो इससे ये तात्पर्य है कि जो हमारे परिधानों का जो भी संग्रह है वो प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यात्मक हो, यानी वो उसका प्रयोग किया जा सके। चौथा बिंदु है डेवलपिंग क्लोथिंग कलेक्टिंग प्लान, अर्थात जो भी हम परिधानों का संग्रह करते हैं तो उसको उस जो भी परिधान के जो भी संग्रह है उसके प्लान को विकसित किस तरह से करना है वो इसमें हम करते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि ग्रोइंग एडवांसिंग और इलैबोरेटिंग दी प्लान्स रिलेटेड टू क्लोथ्स, इसमें हम परिधान को बढ़ाने की प्रक्रिया, यानी हमारे वार्डरोब में एडिशन करने के लिए, एडवांसिंग करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हम किस तरह की योजनाएं करेंगे वो उससे सभी संबंधित होती हैं। लास्ट स्लाइड में हम स्टेप्स इन वार्डरोब प्लानिंग करेंगे, यानी कि वार्डरोब नियोजन के चरण। वार्डरोब प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स which are as follows। वार्डरोब नियोजन में
मुख्य चार चरण होते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। स्टेप वन, इवैल्यूएटिंग योर स्टॉक ऑफ क्लोथिंग। ये पहला चरण है जिसमें हम हमारे परिधानों के संग्रह का की तुलना करते हैं या उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सेकंड, स्टेप टू, एनालाइज ईच ऑफ द सेपरेट ग्रुप्स ऑफ क्लोथिंग। ये दूसरा चरण है जिसमें हम परिधानों को समूह में विभाजित करते हैं। इन समूह में एक प्रत्येक जो समूह है परिधानों का, उसका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो भी परिधान होता है उसमें कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और अपने आप से ही इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और फिर जाके इन परिधानों को आगे हम जो है स्टेप थ्री में इसका इन प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। थर्ड है हमारा स्टेप थ्री, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रुपिंग्स एंड क्वेश्चंस। अब हम क्या करते हैं, जितने भी परिधानों के जो समूह होते हैं उनमें जो हमने प्रश्नों के जो उत्तर दिए होते हैं उनसे संबंधित सभी जानकारियों को एकत्रित किया जाता है और फिर आगे उस पर अध्ययन किया जाता है। फोर्थ स्टेप है स्टेप फोर, एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेस। स्टेप फोर यानी कि चौथा चरण है जिसमें हमारे पास जितने भी संसाधन होते हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं या हम उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करते हैं कि वह किस प्रकार से हमारे परिधानों में काम आ सकते हैं और हम उनका किस प प्रकार से अधिक उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इन चरणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। धन्यवाद।